आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे। ये हैं विनोद दुआ और आपको बता दूं कि एक लंबे समय से ये बीमार भी चल रहे थे और इनका हाल ही में डेथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि ये ईमानदार पत्रकारिता की दुनिया में अपना नाम कमाते रहे और लगभग आप देखेंगे 42 साल तक पत्रकारिता की है इन्होंने। और आप देखेंगे कि वह हमेशा सच की आवाज उठाते रहे हैं और सच की आवाज उठाने के कारण आपने देखा है कि इन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। यहां तक इन पर देशद्रोह का आरोप भी लगा दिया गया था। बाद में आप जाते हैं कि देखते हैं कि न्यायालय में जाता है मामला और इन्हें वरी कर दिया जाता है, निर्दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो आज हम लोग इस क्लास में देख लेंगे कि आखिर विनोद दुआ की कहानी क्या है, किस तरह से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और किस तरह से इनका सफर रहा है। इनने से जुड़े कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों को भी देख लेंगे हम लोग, और इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं, उन पुरस्कारों पर भी हम लोग एक एक करके बात कर लेंगे। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं विनोद दुआ। हम लोग तो यही कह सकते हैं कि भगवान से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। इनके अगर हम लोग नाम की बात करें तो विनोद दुआ, इनका नाम, जन्म तारीख की बात करें तो 11 मार्च 1954 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, भारत में। और इनकी अगर हम लोग पत्नी की बात करें तो पद्मावती दुआ उर्फ चिन्ना दुआ एक चिकित्सक थी। इनकी डेथ भी कुछ समय पहले कोरोना की वजह से हो चुकी थी। अगर हम लोग इनके बच्चों की बात करें तो इनकी दो बेटियां हैं, एक का नाम है मल्लिका दुआ जो आप देखते हैं कि अभिनेत्री, लेखक और कॉमेडियन है, और एक का नाम है बाकुल दुआ। ये आपको बता दूं कि रोग विषयक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। दो बेटियां हैं इनकी। और अगर हम लोग इनके शिक्षा की बात करें तो हंसराज कॉलेज नई दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में परा स्नातक किया हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग इनके व्यवसाय की बात करें तो पत्रकार ये रहे, और आप सभी जानते हैं कि हम लोग इनके बारे में अगर पढ़ रहे हैं, जानने की दिलचस्पी रख रहे हैं, तो इनके पत्रकार होने के कारण रख रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से अपनी पत्रकारिता में अपना कर्तव्य निभाया है वो एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना आज के पत्रकारों का क्या हाल है आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। अगर हम लोग विनोद दुआ के करियर की बात करें तो 1974 में विनोद ने युवा मंच में अपना पहला टेलीविजन प्रदर्शन किया था, और जो एक हिंदी भाषा का युवा कार्यक्रम था जिसे दूरदर्शन, जिसे पहले दिल्ली टेलीविजन कहा जाता था, इस पर प्रसारित किया गया था। कब? 1974 की बात है। युवा जन रायपुर, मुजफ्फरपुर, जयपुर के युवाओं के लिए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीकास्ट एक्सपेरिमेंट साइट के लिए एक युवा शो विनोद द्वारा 1975 में एंकर किया गया था। तो 1974 से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, फिर 1975 में ये काम करते रहते हैं, और उसी साल आप देखेंगे उन्होंने युवाओं के लिए एक कार्यक्रम जवान तरंग की एंकरिंग शुरू की थी, और जिसे नए नए शुरू किए गए टीवी चैनलों अमृतसर टीवी पर प्रसारित किया गया था उस समय, और उन्होंने 1980 तक अपनी नौकरी जारी रखी इसी में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एंकरिंग की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें एंकरिंग के रूप में, तो साल 1981 में ये एंकरिंग करना शुरू करते हैं, और 1981 में उन्होंने रविवार की सुबह की पारिवारिक पत्रिका आपके लिए एंकरिंग शुरू की थी इसमें, और जो कि 1984 तक करते रहे। कब तक? 1984 तक। विनोद पेड़ाव रॉय के साथ 1984 में दूरदर्शन पर चुनाव विश्लेषण का काम करने लगी, और आप सभी जानते हैं कि वो चुनाव विश्लेषक भी रहे हैं, पत्रकारिता के साथ साथ अच्छे एक तरह से चुनाव विश्लेषक भी माने जाते हैं, और इससे उनके करियर को बढ़ावा मिला क्योंकि इसने उन्हें कई अन्य टेलीविजन चैनलों के लिए चुनाव विश्लेषक कार्यक्रम को एंकर करने का मौका भी मिला है। अभी भी तो आप देखते होंगे चुनाव विश्लेषक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, 4 से 5 बैठे होंगे, वो चुनाव के बारे में बताते रहते हैं कि किसकी तरफ हवा चल रही है, कौन जीत सकता है, क्या मुद्दे बन सकते हैं, तो उन्हीं को एक तरह से चुनावी विश्लेषक कह देते हैं। और उन्होंने 1985 में जनवाणी पीपुल्स वॉइस शो की एंकरिंग की थी, जहां आप लोगों को सीधे मंत्रियों से सवाल करने का मौका मिलता था, और यह शो अपनी तरह का पहला शो था। आज के समय में आप देख लीजिए, आज के समय में आप लोगों को ये लगता है कि आप अपने क्षेत्र के, छोड़िए मंत्री और प्रधानमंत्री को छोड़िए, क्या विधायक से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं या उसे अपनी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं, समस्याएं बता सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं।
अगर हम लोग टीवी न्यूज चैनल इंडिया टुडे और जी टीवी और अन्य न्यूज चैनलों के बारे में बात करें, क्योंकि इनके साथ भी आप देखेंगे विनोद दुआ काम करते रहे। विनोद ने 1987 में इसके मुख्य निर्माता के रूप में इंडिया टुडे समूह के एक उद्यम टीवी टुडे में शामिल हुए थे। ये 1987 की बात है। करंट अफेयर्स, बजट विश्लेषण और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर आधारित शो का निर्माण करने के लिए उन्होंने 1988 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी द कम्युनिकेशन ग्रुप लॉन्च किया था। और विनोद ने सन 1992 में जी टीवी चैनल चक्रव्यूह शो की एंकरिंग भी की हुई थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि साल 1992 और 1996 के बीच वह एक साप्ताहिक करेंट अफेयर्स पत्रिका पारक के निर्माता भी थे और जिसका दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाता था। और मुझे लगता है इस पत्रिका को आप लोग पढ़ते भी होंगे उस समय करेंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए। विनोद दूरदर्शन के सेरेवर्ल चैनल DD3 मीडिया पर प्रसारित होने वाले शो तस्वीर ए हिंद के एंकर भी रहे हैं और उन्होंने 1997 से लेकर 1998 के बीच चैनल के एक एंकर के रूप में भी काम किया हुआ था। और मार्च 1998 में आप देखेंगे विनोद ने सोनी इंटरटेनमेंट चैनल के शो चुनाव चुनौती की एंकरिंग भी की हुई थी। वह साल 2000 से लेकर 2003 तक सहारा टीवी से जुड़े रहे और जिसके लिए वे प्रतिदिन और पारक की एंकरिंग भी करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि तरह तरह के न्यूज चैनलों में उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने दावायर हिंदी के लिए जनगणमन की बात की एंकरिंग भी शुरू की थी। यह शो 10 मिनट का करंट अफेयर्स कार्यक्रम था और जो दावायर की वेबसाइट पर प्रसारित होता था, जहां उन्होंने अक्सर सरकार की आलोचना की लेकिन आवश्यक तथ्यों और संख्याओं के साथ। और मुझे लगता है कि पत्रकार का यही धर्म होता है कि आप देखिए सरकार की गुलामी करना नहीं होता है, उसका सरकार से सवाल पूछना होता है, वो सरकार किसी की भी रहती हो। आज के पत्रकारों को आप सभी जानते हैं दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक सरकार का पक्षकार है, दूसरा विपक्षकार है, मालूम ही नहीं चलता है कि सही कौन बोल रहा है गलत कौन बोल रहा है। एक उन्होंने प्रोग्राम भी किया हुआ था, फूड प्रोग्राम जायका इंडिया का की मेजबानी भी की हुई थी। विनोद NDTV इंडिया के कार्यक्रम जायका इंडिया का की मेजबानी करते थे और जिसके लिए उन्होंने शहरों की यात्रा भी की थी। राजमार्गों सड़कों द्वारा रोका गया और सड़क किनारे बने ढाबों से कई व्यंजनों का स्वाद भी चखा था इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए पत्रकार थे। अगर विनोद दुआ के द्वारा एंकर किए गए कार्यक्रमों की अगर आपसे बात की जाए तो तस्वीर ए हिंद 1997-98 में दूरदर्शन चैनल पर आता था। एक चुनावी चुनौती ए मार्च 1998 की बात है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता था। इलेक्शन एनालिसिस 1999 की बात है, जी न्यूज पर आता था। और प्रतिदिन और परख ये दो सन 2000 से लेकर 2003 की बात है, सहारा टीवी पर आता था। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये सन 2003 की बात है, स्टार न्यूज पर आता था। जायका इंडिया का NDTV इंडिया पर आता था। अब बात करें, देखिए आप लोग अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों को पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो विनोद दुआ के अगर मिले पुरस्कारों की बात करें तो साल 1996 में सम्मानित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बने थे। ठीक है, और भारत सरकार ने उन्हें 2008 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2008 में इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है और 2016 में ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर ने उन्हें D.Lit से सम्मानित भी किया था। ऑनोरिस कोसा डॉक्टर ऑफ लेटर्स मानद उपाधि, जिसे कुछ दिनों में PhD से परे माना जाता है, पुरस्कार विजेता के आवेदन के बिना सम्मानित किए जाने पर इसे मानद उपाधि के रूप में दिया जाता है। तो ये भी इससे भी इन्हें नवाजा गया था। और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए मुंबई प्रेस क्लब ने उन्हें जून 2017 में रेड इंक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसे विनोद को महाराष्ट्र के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे देवेश फडणवीस, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए अब आप जानते हैं कि आप अगर किसी बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नेता हैं या पॉलिटिशियन आप कह लीजिए या पत्रकार हैं या आप समाजसेवी हैं, तो आपसे विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। कुछ लोगों को आप पसंद आते हैं, कुछ लोगों को आप नापसंद होते हैं। तो विनोद दुआ से जुड़े कुछ विवाद भी इन्हें भी देख लीजिए। अक्टूबर 2017 में विनोद दुआ ने कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान अपनी बेटी मल्लिका दुआ पर एक अश्लील टिप्पणी करने के लिए अभिनेता अक्षय कुमार को
आड़े हाथों लिया था। तो उस समय भी आप देखेंगे काफी चर्चा में रहते हैं। एक साल बाद अक्टूबर 2018 में गुलाबी गैंग के लिए प्रसिद्ध भारत की पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक निष्ठा जैन ने एक लंबी फेसबुक पोस्ट प्रकाशित की थी, जिसमें विनोद द्वापर उत्पीड़न और उस पर एक भद्दा मजाक करने का आरोप लगाया गया था। और विनोद द्वा ने आरोप का खंडन किया और इसे बेहद बेतुका और निराधार बताया था। तो ये कुछ विवाद भी जुड़े रहे विनोद द्वा से। अब अगर हम लोग इनकी डेथ की बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार की डेथ की बात करें तो एक लंबी समय से बीमार थे, आप सभी को बता चुका हूं, उनकी हाल ही में आप देखेंगे डेथ हो चुकी है। और इसी साल आपने देखा होगा 2021 में ही अप्रैल के महीने में उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था और कुछ दिनों बाद वो ठीक ठाक स्थिति में आ गए थे। लेकिन आप देखिए कि फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। और आपको बता दूं कि उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर उनकी बेटी ने अपने अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए दी हुई है, तो हमारे बीच नहीं रहे। और पत्नी की अगर हम चित्रा दुआ की बात करें तो कोविड 19 की जटिलताओं के साथ लंबी लड़ाई के बाद 11/6/2021 को इनकी भी डेथ हो गई थी, यानी कि पहले पत्नी की डेथ हो गई थी उसके बाद पति की डेथ हो चुकी है। फिर से एक बार जैसे भी थे, आप लोगों में से कई लोगों को नापसंद होंगे, पसंद होंगे, कई इनकी तारीफ करते होंगे, कई आलोचक भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे बीच ये नहीं रहे। तो ऊपर वाले से फिर से दुआ करिए कि जहां भी रहें इनकी आत्मा को शांति मिलेगी।